नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, CTET शिक्षक भर्ती आंसर की और रिजल्ट को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और काफ़ी सारे स्टूडेंट के मुझे कमेंट देखने को मिले थे कि उनकी जो रिस्पॉन्स सीट है वो डाउनलोड नहीं हुई है। तो उनको क्या करना है, रिस्पॉन्स सीट कैसे डाउनलोड करनी है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और 90 से कम अंक पर आपको पात्रता इस बार कैसे मिलने वाली है, 70-75 या फिर 90 से कम अंक वाले स्टूडेंट भी इस बार CTET क्वालिफाइड हो जाएंगे, क्या पूरी अपडेट इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आंसर की आपको कैसे डाउनलोड करनी है, सभी शिफ्ट की आंसर की और आपका रिजल्ट कब आएगा दोस्तों, उसके बारे में इस वीडियो में आपको रिजल्ट की डेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। साथ में दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर आपको CTET शिक्षा भर्ती की पल पल की अपडेट है वो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं CTET शिक्षा भर्ती में आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करने को लेकर। तो दोस्तों, रिस्पॉन्स शीट आपकी डाउनलोड करने के लिए आपको CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो है, जैसे कि 20 दिसंबर हो गया या फिर अन्य जो डेट हैं, उनकी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ शिफ्ट की रिस्पॉन्स शीट नहीं डाली गई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ शिफ्ट हैं इनकी रिस्पॉन्स शीट नहीं डाली गई है, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। हो सकता है आपको अपडेट कर दिया जाए क्योंकि सभी शिफ्ट की जो है रिस्पॉन्स शीट नहीं आई हैं, इसलिए आपको थोड़ा वेट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपकी रिस्पॉन्स शीट है वो आप डाउनलोड कर पाओगे और जैसे ही दोस्तों इस साइट को अपडेट किया जाएगा तो मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा, बता भी दूंगा कि रिस्पॉन्स शीट आपकी आ चुकी है। और एक बार आप ट्राई भी कर लें दोस्तों, क्योंकि कभी कभी सर्वर भी डाउन हो जाता है। चलिए अब बात कर लें दोस्तों आंसर की और रिजल्ट के बारे में। आंसर की डाउनलोड करने से पहले आपकी थोड़ी, मैं आपको कट ऑफ का जो मैटर है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन मेथड है, उसके ऊपर कैसे आपका रिजल्ट बनेगा। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड पर आधारित हो सकता है रिजल्ट CTET का फाइनल स्कोर। जी हाँ दोस्तों, CTET का जो फाइनल स्कोर है वो नॉर्मलाइजेशन मेथड पर आधारित होगा। और नॉर्मलाइजेशन मेथड कैसे कार्य करता है दोस्तों, CTET परीक्षा का आयोजन पहली बार ऑनलाइन बोर्ड के जरिए हुआ है। परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक आयोजित कराई गई है, यानी कि लगभग आपकी जो परीक्षा है वो 20 से ज़्यादा दिन तक चली है और प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट का आयोजन हुआ है। आंसर की और रिस्पॉन्स शीट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, कैसे आपको डाउनलोड करनी है और प्रश्न पत्र भी डाल दिए गए हैं, सभी की आंसर की आ चुकी हैं दोस्तों। आंसर की कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन आपका दोस्तों सही है उसके सामने आपको टिक का निशान मिल जाएगा। इस आधार पर आप 150 में से आपके कितने क्वेश्चन दोस्तों सही हैं उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। चलिए अब नॉर्मलाइजेशन मेथड को समझते हैं दोस्तों, इसके बाद हम आंसर की डाउनलोड कैसे करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका शिफ्ट वाइज वर्गीकरण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम दी है। इसमें प्रत्येक शिफ्ट का पेपर अलग अलग आया है, किसी शिफ्ट का पेपर इजी आया है, किसी शिफ्ट का पेपर टफ आया है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपका पेपर कैसा आया था दोस्तों। तो जिन स्टूडेंट का जो शिफ्ट का एवरेज स्कोर 70, 75, 80 निकलेगा वो दोस्तों टफ शिफ्ट रहेंगी, और जिन शिफ्ट का एवरेज स्कोर 90, 95, 100 के मध्य रहेगा वो आपकी शिफ्ट इजी रहेंगी, और मध्यम शिफ्ट आपकी 80 से 90 वाली शिफ्ट रहने वाली हैं। तो इनका जो डिवाइडेशन है वो किया जाएगा, इनमें नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा। इसको लेकर पहले ही दोस्तों जो है CBSE बोर्ड नोटिस जारी कर चुका है कि नॉर्मलाइजेशन का मेथड का सहारा लिया जाएगा, वरना दोस्तों भर्ती है वो कोर्ट में भी चली जाएगी। क्योंकि एक स्टूडेंट का पेपर इजी आता है, एक स्टूडेंट का पेपर टफ आता है, तो जो टफ वाला स्टूडेंट होगा उसके नंबर तो स्वाभाविक सी बात है कि कम आएंगे। यहाँ पर हम नॉर्मलाइजेशन मेथड को समझते हैं कि पहली शिफ्ट में वही परीक्षा का एवरेज अंक 50 है, दूसरी का 80 है, तो दोनों का जो अंतर निकलेगा वो 30 एवरेज निकलेगा। तो इसको अगर 30 को इसमें प्लस कर दिया जाता है तो आपका बराबर हो जाएगा। इस आधार पर आपके नंबर कम और ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जिन स्टूडेंट के कम नंबर हैं तो उनका टफ पेपर होगा, तो उनके नंबर जोड़े जाएंगे, उनमें नंबर इंक्रीज होंगे और आपको CTET क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। अगर उन नंबर को जोड़ने के बाद आपकी जो पात्रता अंक के बराबर नंबर हो जाते हैं तो आप CTET क्वालिफाइड हो जाएंगे। पात्रता अंक वही रहने वाले हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 90 अंक रहने वाले हैं और बाकी सभी कैटेगरी के लिए जो अंक हैं वो आपके 82 अंक यानी कि 55% स्कोर और 60% स्कोर है वो रहने वाला है। ये आपका स्कोर वही रहेगा, लेकिन अगर आपके 5 नंबर कम है और नॉर्मलाइजेशन जो फार्मूला है उसके आधार पर अगर आपके 5 अंक बढ़ रहे हैं तो आप जो है 85 नंबर या फिर 78 या 77 नंबर पर भी CTET क्वालिफाइड हो जाएगा। तो ये आपका CTET का कुछ प्रोसेस रहता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अब बात कर लेते हैं आपकी आंसर की के बारे में। तो आंसर की बात करूं तो आंसर की दोस्तों आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। अभी आपकी आंसर की नहीं आई है, हालांकि इसका जो एनालिसिस है रिस्पॉन्स शीट का वो किया जा रहा है, उसे आप
जो है कोचिंग या फिर यूट्यूब की जो आंसर की है उससे ही मिलान कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली आंसर की है वो नहीं आई है। अभी सिर्फ रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर की जो सीट हैं वो जारी की गई हैं। इनसे क्या होगा कि दोस्तों जब आपकी आंसर की आएगी तो आप उसमें जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, की चैलेंज कर सकते हैं, जहां पर आपको बोनस अंक मिलेंगे। उसके बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट आपको 15 फरवरी के आसपास देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको अभी वेट करना होगा। टेंटेटिव डेट है दोस्तों, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जल्द ही आपकी दोस्तों जो है रिस्पॉन्स शीट और रिजल्ट है वो दोस्तों जल्द ही जारी होगा। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिनकी रिस्पॉन्स शीट नहीं आई है उनकी भी रिस्पॉन्स शीट जल्दी ही आ जाएगी, आप बार बार ट्राई करते रहें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।